दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों को सॉरी भी बोलना चाहती हूँ। लास्ट डे यानी कि कल जो भी मैंने अपने चैनल में आर्ट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया था, जिसका थंबनेल आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, उसको लेकर आप लोगों की मन में काफ़ी डाउट हो गया था कि ये कंपटीशन ओनली यूएस आर्टिस्ट या इंटरनेशनल आर्टिस्ट यानी कि इंडिया के रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। मैंने बोला नहीं, पर फिर भी मैंने स्क्रीन में साफ साफ मेंशन कर दिया था ये कंपटीशन में सिर्फ यूएस के आर्टिस्ट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर आज मैं जो कंपटीशन की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो भी आर्ट और फुल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज्ड किया है, जिसका नाम है आर्ट और फुल आर्ट कॉम्पिटिशन नेचर 2021। पहले ही मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ और क्लियर भी कर देना चाहती हूँ कि इस कंपटीशन में वर्ल्ड के कोई भी कंट्री से कोई भी आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर है वो सभी आर्टिस्ट इस कंपटीशन में बेझिझक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कंपटीशन का सबसे अच्छी बात है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री कंपटीशन है। कंपटीशन का थीम है नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम के बारे में। पार्टिसिपेंट्स इस कंपटीशन के लिए पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, डिजिटल प्रिंट्स और हैंडमेड क्राफ्ट, इनमें से कोई भी एक मीडियम को चूज करके अपना इंटरेस्ट रेडी कर सकते हैं। ध्यान रखें, पार्टिसिपेंट्स को इनमें से कोई भी एक ही मीडियम चूज करना होगा, इसके अलावा और कोई भी मीडियम चूज नहीं कर सकते हैं कोई भी पार्टिसिपेंट्स। सिर्फ पिक्चर अलाउड है, कोई भी साउंड या वीडियो अलाउड नहीं है इस कॉम्पिटिशन में। पार्टिसिपेंट्स का आर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, किसी भी जगह से कॉपी नहीं चलेगा, और एक पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम 5 एंट्रीज सेंड कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स को कंपटीशन का गाइडलाइंस एंड थीम मेंटेन करना होगा, नहीं तो वो पार्टिसिपेंट्स डिस्क्वालिफाइड भी हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं रिवार्ड्स के बारे में। All top 3 places will be featured in Art or Full homepage and post. All top 10 places awarded with digital certificate. Honorable mentions will be featured in Art or Full post. जब भी इस कंपटीशन का जजमेंट होगा, तब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के जज किया जाएगा, जैसे कि क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी ऑफ आर्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एबिलिटी एंड लास्ट ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ आर्ट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना आर्ट वर्क अपलोड कर सकते हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को आर्ट और फुल के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही पार्टिसिपेट करना होगा, कोई भी अलग से लिंक नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आर्ट और फुल का लिंक शेयर कर दूंगी। सबसे पहले आप लोग उस लिंक को क्लिक कीजिए। देखिए, इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएंगे। साइन अप नाउ बटन पे क्लिक करके अपना बेसिक डिटेल्स देके आर्ट और फुल वेबसाइट में अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। मेरा इस ऑफिशियल वेबसाइट में पहले से ही अकाउंट है, तो मैं साइन इन करके वेबसाइट में एंटर करूंगी। नेक्स्ट आपको ऊपर में 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि इमेज, वीडियो एंड एम्बेड। आपको इमेज बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने इमेज से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट टाइप करना होगा जो आपके आर्ट को रिफ्लेक्ट करे, और इसके साथ हैशटैग नेचर 2021 भी ऐड करना होगा। नेक्स्ट चूज अप टू इमेजेस बटन पे क्लिक करके आप अपने आर्टवर्क अपलोड कर सकते हैं, और लास्ट में पब्लिश बटन पे क्लिक करके आप सक्सेसफुली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कंपटीशन में एंट्री सेंड करने के लिए लास्ट डेट है 30 जून 2021।
इस कंपटीशन से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग service@artorful.com इस ईमेल आईडी पे मेल करके आप अपना क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। आर्ट और फुल के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जिसके थ्रू आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसका लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं, अपना क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं और अपना इंटरव्यूज भी सेंड कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।